हेलो फ्रेंड्स, जेएस किचन में आप सबका स्वागत है। मैं आज बनाऊंगी चिकन मसाला। चिकन मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए चिकन। मैंने लिया है 1 किलो देसी चिकन। चिकन को पहले मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दे। मिक्स करके इसको 5 मिनट रख देंगे। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक मैं कुछ मसाला रेडी कर लेती हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है 4 प्याज। 2 प्याज को मैं मोटा मोटा काट लूंगी और 2 प्याज का मैंने पेस्ट कर लूंगी। अब प्याज को इस तरह मोटा मोटा ही काट ले, क्योंकि मैं देसी चिकन बना रही हूँ। अगर आप पतला पतला काटेंगे तो वो जल्दी पक जाएगा, मोटा मोटा काटे। और चाहिए मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 2 टमाटर, 5 6 हरी मिर्च जिसको मैं 1/2 करके काट के रखी हूँ। अब मैं लहसुन को कूट लूँगी, थोड़ा सा इसमें डालूँगी नमक। नमक डाल के इसको दर दरा सा कूट लूँगी। देखिए इस तरह से कूट ले इसको। गैस को ऑन करके मैं कढ़ाई चढ़ा दिया। अब मैं इसमें डालूंगी 100 ग्राम सरसों का तेल। तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी 1 तेज पत्ता। और मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच जीरा। जीरा थोड़ा फ्राई होने के बाद उसमें डालूंगी मैं हरी मिर्ची। इसको अच्छे से मिक्स करें। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज का पेस्ट, जो मैं पहले से बना के रखी थी। प्याज का पेस्ट डाल के अच्छे से मिक्स कर दे इसको। अच्छे से मिक्स करते रहे। देखिए ध्यान रहे, अब मीडियम फ्लेम पे ही चिकन को फ्राई करना है, नहीं तो ये कढ़ाई में लग जाएगा। अब मैं इसमें डालूंगी आलू। आलू डालने से चिकन का टेस्ट बढ़ जाता है। अगर आपको आलू पसंद नहीं तो आप बिना आलू को भी बना सकते हैं। आलू डाल के आप इसको इस तरह बार बार चलाते रहे, नहीं तो ये जल जाएगा नीचे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिला दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक,
ध्यान रहे कि जब मैंने मैरिनेट किया था तब भी मैंने नमक का यूज़ किया था, तो अब उसी हिसाब से उसको ध्यान में रख के नमक डालें। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टमाटर। टमाटर डाल के उसको मिला दे अच्छे से, मिला के 5 मिनट ढक के मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। 5 मिनट बाद मैं इसको खोल दूँगी। देखिए टमाटर जो है अच्छे से गल चुका है। एक बार इसको अच्छे से मिला दे। मिला के अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और डालूंगी 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। सारा मसाला डाल के एक बार इसको अच्छे से मिला दूंगी चिकन के साथ। ध्यान रहे अब गैस का फ्लेम मीडियम ही रखे, मीडियम फ्लेम पे ही इसको कुक करना है। अच्छे से मिला के मैं फिर से इसको ढक के 10 मिनट के लिए रख दूंगी पकने के लिए। और हाँ, आप बीच बीच में चलाते रहे इसको। दस मिनट हो चुका है। 10 मिनट बाद मैं इसको खोल के एक बार चला दूंगी। चला के इसमें अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 कप के करीब गरम पानी। ज़्यादा पानी मत डालिए क्योंकि चिकन जो है 80% कुक हो चुका है। अब थोड़ा ही गर्म पानी इसमें ऐड करें। फिर से मैं इसको ढक के 5 मिनट पकने के लिए रख दूंगी। 5 मिनट हो चुका है। देखिए मेरा चिकन जो है रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी कुटा हुआ लहसुन। लहसुन डाल के मैं और 2 मिनट इसको कुक कर लूंगी ताकि लहसुन का जो कच्चा स्मेल हो वो ना आए। इसको अच्छे से मिला के अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला डाल के मैं कर दूंगी गैस को बंद। मेरा चिकन जो है वो पूरा रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।